नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। दशहरे पर एक और पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को दहन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में एक दलित नेता महेश गौहर के द्वारा अपने घर में रावण का मंदिर बनाकर उसकी प्रतिदिन पूजा की जाती है। आज जहां सारे देश में रावण को जलाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर महेश गौहर रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिजीवी मानकर उनका पूजन यज्ञ करता है। पूरे देश में बुराई के प्रतीक रावण को आज दहन किया जाएगा। वहीं इंदौर के परदेशीपुरा में रावण के मंदिर में आज विशेष यज्ञ किया जा रहा है। परदेशीपुरा क्षेत्र में रावण का दहन नहीं किया जाता है, आज उनकी पूजा होती है। महेश गौहर जो रावण को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, उनके अनुसार रावण एक महान पंडित था जिसे जलाना हरगिज नहीं चाहिए। आज दस किलो दशानन की पूजा हम यहाँ मंदिर में शुरू कर रहे हैं। वैसे ये विगत 60 साल से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं और जब 10-10-10 से अब यहाँ मंदिर जब बन चुका है, उसके बाद इस मंदिर में ही रावण की पूजा हम लोग नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम को करते हैं। और आज विशेष पूजा होती है। हमारे बीच में पंडित बलराम आर्य जी जो हैं वो 101 यज्ञ कुंडी यज्ञ करेंगे और यज्ञ में विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो आज हमारे देश में अमन चैन जो कायम नहीं है, महंगाई सिर पर बढ़ गई है, महिलाओं और विशेष तौर से छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो अनाचार और दुराचार हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लंकेश्वर से, दसगिर दशानन से, कि लोगों को इसके मामले में थोड़ा सा बुद्धि उनकी तिर करें, कि बच्चों पे मतलब इस तरह का जो कष्ट आया उसको दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा आईबीएन 9 के साथ। आप देखते रहिए आईबीएन 9।